कोलाहांडी सनसाइन पब्लिक स्कूल अध्यक्षा ममिता मेहर निखोज मिस्ट्री पुलिस हेफाजतु गायब हेले गोविंद साहू जहाँ को नहीं बड़ प्रश्न उठी जे गोविंद खसी गले ना जाणीशु खसाई दिगला आ सबुठ बड़ प्रश्न जे किए सुरक्षा एवं किए समय दौर से ममिता मेहर को अभियुक्त गोविंद साहू मंद उद्देश्य रखी अपहरण कर बलांगीर सिंधेकेला थाना एफआईआर भी एफआईआर रपि ममिता भाई बंटी मेहर संकीर्ण अभियोग आफआईआर लिखा जा अक्टोबर 8 तारीख में ममिता सका 5:45 मिनिट्रे कंटाबांची महालिंगी जा बस निजर कार्यस्थल महालिंगी को जाते कि चांदतोरा छकु गोविंद साहू तांको भौणी को अपहरण करफआईआर को आधार कर पुलिस गोविंद नारे सिंधेकेला थाना पुलिस दफा 366 लगाई तदंत आरंभ कर दफा 366 अर्थात मंद उद्देश्य रखी अपहरण करने मामलें तांको नारे 366 दफा लगे तरुण साहू बलांगीर प्रतिनिधि आम सहित लाइव जोड़ी तरुण जो खबर को नहीं दीर्घ दिन धरी चर्चा आलोचना जारी रही है यार गोविंद साहू जहाँ अभियोग जे मुख्य कारपटदार जी अपहरण कर संकीर्ण अभियोग आणुंट ममिता पर से वर्तमान गायब तेणु ये जो गायब होगा पचर प्रकृत में कौन रही थी पारे रहस्य जो से निजे गायब हो जाऊँच तेणु कौटा कौटे यह स्पष्ट प्रमाणित जे से ही अभियुक्त से निखोज पचर ममिता निखोज पचर ही हाथ रही देखु जेभली भाव में जितेबाद निखोज अफिस्र कागजपत्र स्कूल मालिक गोविंद साहू निजे ममिता मेहर प्रिंसिपाल को डाकी डाकवा पूर्व से कॉलेज को आसवाक सीधा सीधा मना करते बाटर गोटे छक चंदातरा छक निकट में अटकवाक कहते सेठार कार जगे कॉलेज को आसवाक कहते कि चंदातरा छक ही से कारे कड़े अंतर्धान हो जाते कहुच गोविंद साहू ही अपहरण करना पूर्व ममिता मेहर ओपन धमक देते खोला चैलेंज करते जो स्कूल सनसाइन पब्लिक स्कूल सेक्स स्कैंडल चलुवा नहीं ममिता मेहर पाखे ठोस प्रमाण रही है और से प्रमाण को आधार कर ममिता मेहर पर्दाफाश करने को प्रस्तुत होते जहाँ को लेकिन मालिक गोविंद साहू को धमक देते जहाँ जो गोविंद साहू भयभीत हो रास्तु ममिता मेहर को हटावाई अपहरण रचि से अपहरण में गोविंद साहू गोटे प्रकार सफलता पाई कहीं गोटे दिन पर ममिता मेहर भाई बंटी मेहर सिंधेकेला थाना अभियोग कले अभियोग 4 दिन पर 13 तारिख में मामला रुजुला मामला रुजुवापर पुलिस केवल गोविंद साहू को उठाई आनिला और गुप्त स्थान में रखी पचराउचरा कला आज पर्यंत स्पष्ट करू नथिला जे गोविंद साहू को केउठारे रखा जाय छी किंतु गत काली राति 11टा गोविंद साहू टिटलागढ़ बारागुरु फेरार मारी फेरार मारे फेरार मारे टिटलागढ़ पुलिस बलांगीर पुलिस कलाहांडी पुलिस बौद्ध और सोनपुर पुलिस को अलर्ट कर खोजापी जितेबाला 366 धारा लगी जड़े अभियुक्त को 24 घंटा भितर गिरफ्त करने कथा गिरफ्त करके कोर्ट फरवर्ड करने कथा किंतु क्यों आधार में टिटलागढ़ पुलिस जड़े 366 धारा दफा लगी अभियुक्त को 3 दिन धरी थाना अटक रखुला और गुप्त स्थान में रखुला गत काली पर्यंत स्पष्ट करू नाला टिटलागढ़ बाराग्रे ही गोविंद साहू को रखा जाए बोली जितेबाला से फेरार है से खबर आसला जे टिटलागढ़ बाराग्रु अभियुक्त गोविंद साहू फेरार मारी गोटे गोविंद साहू को फेरार करिवारे पुलिस प्रछन्न हाथ रही जहाँ पूर्व आम प्रकाश करूल जो गोविंद साहू को अत्यंत घनिष्ठ सहयोगी होती कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र सी गृह राष्ट्रमंत्री पुलिस विभाग मंत्री प्रेसर में पुलिस ठीक भाव में तदंत करूना बोली पूर्व आम आशंका करूँ और खबर प्रसारण करूँ बारंबार खबर प्रसारण करा पुलिस गोविंद साहू वास्तविक कुआडे एमती निखोज हो गले जे पुलिस तांको पत्ता पाउनी नाकाबंदी करा जाईथिला एवं ये सही गोविंद साहू जे कुआ जाउची गृह राष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्रकर बेस घनिष्ठ और एक कथा खोद पंचायत राज मंत्री प्रताप जेना निज अभिभाषण रे कहि सारिछंती जे उभय अभ्यंक बिंधाडी अर्थात केही काकु छाडी रोई पारंती ना विशेषकर जो स्कूल लारे अभियोग आसुची जे जो स्कूल रे सेक्स स्कैंडल चलथिला एवं एक कथा ममिता हुए तो जानिथिले जातक भाई अभियोग आणुछंती ए गोविंद साहू एमती केउ आडे लुची कले केउ पात्र रे लुची कले जे पुलिस तांको पाउनी तणु या पछरे तांको जानि सुणी निखोज कर दिया जाय छी।
ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଖସାଇବା ଏପରି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅପହରଣ ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଆସିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି, ଧାରା 366 ଲାଗିଛି। ଅଭିଯୋଗ ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଉଠାଇଲା, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କଲା, ସେହି ଗୋଟିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କୋର୍ଟରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ବଦଳରେ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ତ ତାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଫେରାର ବା ଫେରାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 366 ଧାରା ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖସାଇବାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର ହାତ ରହୁଛି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଏହି 11 ଦିନ ଭିତରେ ପୋଲିସ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଉଠାଇ ଆଣିକି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଥିଲା।